देखते हमारी गाड़ी कहाँ पे है। और भाई ये वाली है क्या अपनी गाड़ी? ये तो पहचान ही नहीं जा रही, ये तो परगच्चे से उड़ गए इसके सारे हैं। सुनने में आ रहा है कि फॉर बैंकर्स देयर कैन बी 5 days a week वर्किंग। ओ माय गॉड, मतलब अगर ये हो गया ना भाई, वो बता रहा था ना कि मैं इतने दिनों से व्लॉगिंग क्यों नहीं कर पा रहा हूँ भाई, वो इसलिए क्योंकि बैंक में चल रहा है भाई मार्च, और जो जो बैंकर्स उनको बहुत अच्छे से पता है कि JFM का क्या मतलब होता है भाई, बिल्कुल भी टाइम नहीं है व्लॉग करने का। Hello guys, how are you all? I hope you all are having fun. It's been so long that I did a vlog, right? इसका बहुत सारे मतलब reasons I'll tell you know in the video. और अभी जो चल रहा है वो यहाँ पे ये है कि मीतू को बहुत दिनों के बाद gardening करने का मौका मिला। Actually she is fond of gardening, but स्कूल के चक्कर में मौका मिल नहीं पाता है। ठीक है ना, ये वाले गमले जो है ना यार, ये हैंगिंग वाले हैं, थोड़े से भारी हैं और ये लगते हैं ऊपर कहीं, और क्योंकि ऊपर लगते हैं ना तो इसलिए पानी देने का मौका मिल नहीं पाता है और इसलिए ये हो गया डेड। और बाकी ये जो दो गमले हैं, नए गमले आए थे, ऐसे ही गमला चलता रहता है यहाँ पे, और कुछ तो ठीक चल रहे हैं, बाकी ये जो है ख़राब है। तो आज मित्रों ने सोचा कि आज क्यों ना इनकी मरम्मत करी जाए, उनको ठीक किया जाए। थोड़ा सा टफ है, आई डोंट नो हाउ शी वुड मैनेज, बट शी इज ट्राइंग टू डू इट। लेट्स गो, बिकॉज आई हैव समथिंग वेरी एक्साइटिंग टू टेल यू ऑल। सो आई थिंक आप लोगों को पता ही है कि मेरे पास स्कॉर्पियो भी है और मेरे पास एक होंडा सिटी 2010 की वो कार है, बट इसमें और उसमें दोनों में एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है दीज डेज की। विंटर्स में दिल्ली में BS4 पे लग जाता है बैन, BS4 डीजल पे और BS3 पेट्रोल पे। तो BS3 पेट्रोल है, लेकिन इस गाड़ी से बहुत ज़्यादा प्यार है, मतलब जब से मेरे पास है तब से यू नो एवरीथिंग हैपेंड फॉर समथिंग गुड, कुछ अच्छा होता रहता है। तो मैं उस कार को ना छोड़ नहीं सकता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं उसे बेच दो यार, क्या करना है इतनी सारी गाड़ी रख के। इतनी सारी कहाँ भाई, दो ही गाड़ी है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ तो नहीं है, बट आई कैन नॉट लीव दैट कार बिकॉज आई एम इन लव विद दैट कार। और उसका नंबर आपको पता है इतना सेक्सी है, 0007। दैट इज समथिंग दैट आई कैन नॉट लीव बिहाइंड। तो ये मैंने क्या प्लान किया था ना, क्योंकि आई होप यू ऑल नो कि 2 साल पहले ना मेरी उस सिटी का हो गया था एक्सीडेंट और बिल्कुल डैमेज हो गई थी कार, और उसको मैंने फिर रीबिल्ट कराया। बट अभी 2 साल के बाद ऐसा हो गया कि उसके अंदर ना कुछ मतलब पेंट में चिपिंग हो गई है, कुछ रंग फेड हो गया है, 2-3 पार्ट मैंने उसके बाद भी पेंट कराया, बिकॉज यू नो 2 साल में गाड़ी चलती है तो कुछ ना कुछ यू नो हिट होता रहता है ऑन रोड्स। तो वो कलर ना थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, एक पार्ट का कलर अलग है, दूसरे का अलग है, बट यू नो दैट कार इज द लव ऑफ माय लाइफ। सो आई जस्ट थॉट कि इसको एक मेकओवर देते हैं, लेट्स ट्रांसफॉर्म इट। उसका कुछ मैं इंटीरियर में चेंज कर रहा हूँ, उसके एक्सटीरियर में कुछ चेंज कर रहे हैं हम लोग, और पूरी गाड़ी जो है ना वो रीपेंट होगी और उसको बना देंगे बिल्कुल ब्रांड न्यू। अब उसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। गाड़ी में पेंटर को देके आ चुका हूँ, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ माई बिजी स्केड्यूल, एंड आज मुझे मौका मिला है जाने का, उसको देखने का एंड टू एक्सप्लोर, और उसको थोड़ा सा इन डिटेल बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पे चेंज करनी है। सो लेट्स गो विद मी एंड लेट्स सी कि अभी क्या हालत है उस कार की। मैं 2 दिन पहले देके आया था, आई डोंट नो, हो सकता है उसके बहुत सारे पार्ट उन्होंने निकाल के रख दी हूँ। सो आई एम ऑल्सो वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। तो यार देखते हैं हमारी गाड़ी कहाँ पे है, और भाई ये वाली है क्या अपनी गाड़ी? ये तो पहचान ही नहीं जा रही, ये तो परगच्चे से उड़ गए इसके सारे हैं भाई। ये तो लाइटें वाइटें सब खोल दी गई हैं इसकी, और ये लग नहीं रहा भाई हमारी गाड़ी है, किसी और की गाड़ी है क्या ये? कहाँ गए इकबाल भाई? क्या इकबाल भाई, ये बताओ मेरी गाड़ी का तुमने क्या कर दिया है? ये सब ये तो उड़ा दिया सारा सामान। अच्छा बताओ हम इसमें करने क्या क्या वाले हैं, क्योंकि इसकी तो इसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब थी जी। और ये रस्टिंग भी आया हुआ था ज्यादा, आपका पहले चेक किए होंगे आप। हाँ। जंग लगा हुआ था यहाँ, सब रस्ट था ना यहाँ पे जी जी। एक्चुअली गाड़ी में ना रस्टिंग हो गई थी बहुत ज्यादा गली हुए थे, ये वाली चीजों पे ज्यादा रस्टिंग थी मेरे ख्याल से, यहाँ पे भी ये पूरी रस्टिंग है। तो ये ना देखो यार, एक्चुअली ये 2010 की गाड़ी है ना, तो इतने सालों में शायद ये वाली चीजें हो जाती हैं, बड़ी कॉमन है। बट इकबाल भाई की खास बात है, इन्होंने एक एक चीज निकाल के ना बिल्कुल बोल दिए कि एकदम नई ब्रांड न्यू जैसे गाड़ी बना दी जाएगी। इसमें मैं बताता हूँ इसमें करने क्या क्या वाले। एक तो देखो, एक तो इसका पूरा हम इसको रीपेंट करने वाले हैं, ठीक है, और इसके अंदर पेंट होगा हमारा पर्ल वाला जी, पर्ल व्हाइट होंगे है ना, पर्ल व्हाइट इसके अंदर पेंट होगा, और इसकी जो बॉडी लाइनिंग है ये मैच कर दी जाएगी सारी जी। ये सारे गैप बिल्कुल ऐसे होंगे, ये सारे गैप फुल हो जाएंगे, ये बाहर है थोड़ा गैप है ऐसे होंगे बिल्कुल। लेकिन पहले आपको अंदर की सिचुएशन दिखाऊं। देखो ये सारे गत्ते ना इसमें से हटा दिए गए हैं, और अभी गाड़ी की हालत कुछ ऐसी है, ये हटा देना है इसका जो है ना कर्टन जो है जी, कर्टन हटेंगे, डैशबोर्ड उतरेंगे। हाँ अभी इसमें ये सारे हटेंगे, ये फिटिंग सारे खुलेंगे, तो ये सारे इसके अभी गत्ते हट गए, शायद यहाँ से पेंट होगा ना राइट जी, है ना ये रस्टिंग आ रहे हैं ना पूरा, ये सारे इसको हाँ ग्राइंडर से ग्राइंड करके। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना ये सब रस्ट है,
ये सब रस्ट है, इसको सब सेट कर दिया जाएगा और ऐसा कर देंगे अगर पानी आएगा तो शायद कहीं और से निकल जाए पानी के चक्कर में। पानी का रास्ता ये था, ये पहले ब्लॉक हो गया था, ये बनते ये देखिए इसको मैं वॉशिंग से प्रेशर निकल जाए ये सारा क्लीन करेंगे, क्योंकि रस्त अभी आता है जब यहाँ से बारिश में पानी जाता है ना तो अंदर वो रुक जाता है तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो अभी सिचुएशन ये है, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसमें करने के वाले हैं, पता नहीं बैठने लायक है नहीं लेकिन आओ फिर भी कोशिश करता हूँ। देखो जो इसका डैशबोर्ड है ना ये आप देख रहे हो बड़ा शाइनिंग वाला हो गया, तो इस पूरे डैशबोर्ड को हम कराएंगे मैट ब्लैक, इस पे मैट ब्लैक होंगे और इस पे पियानो ब्लैक करेंगे इस पे जी, ये जो है सिल्वर वाले ठीक है, तो जितना ग्रे वाला एरिया सिल्वर है सब पियानो ब्लैक हो जाएगा जी। और ये हमारा क्रैक है, इसको हम रिपेयर करेंगे पहले बम्पर वाली प्लास्टिक वेल्डिंग करके। अच्छा ये वाला जो क्रैक है ना, ये सिस्टम में क्रैक है अदरवाइज ये नया लगाना पड़ेगा, तो हम नया नहीं लगा रहे क्योंकि नया आएगा तो भी ग्रे आएगा, तो हम इसमें कुछ भी सिल्वर नहीं रख रहे हैं, सब कुछ ब्लैक करेंगे पियानो ब्लैक। तो ये वाला पार्ट पियानो ब्लैक होगा और ये वाला पार्ट भी पियानो ब्लैक होगा, ये भी पियानो ब्लैक होंगे राइट। यहाँ पे एक कवर लगता है प्लास्टिक का ठीक है, वो भी पियानो ब्लैक हो जाएगा, एक ही एक ब्लैक होंगे, ये जो है यहाँ भी पीस लगते हैं एक छोटा सा ठीक है, क्योंकि क्योंकि मेरे ख्याल से इतने साल में जो काला वाला कलर होता है ना वो डल हो जाता है ना, तो इसको रीपेंट कर देंगे तो पूरा पूरा पियानो ब्लैक हो जाएगा। और आई थिंक इसके हैंडल्स हैं ये भी पियानो ब्लैक होंगे ना, ये सब पियानो ब्लैक हो जाएगा, तो अभी इसके अंदर सिल्वर कुछ नहीं रहेगा। ये ग्रिल भी हमारा पूरी हाँ ये इसका फ्रंट ग्रिल है, इसमें इसमें हम लोगों ने क्या सोचा था कि इसको पियानो ब्लैक करेंगे, पूरी ब्लैक करेंगे इसको हाँ, और ये जो लोगो है इसको रेड करेंगे हम। नहीं मैं क्या सोच रहा था इसको ना ऑर्डर करूंगा, जो रेड वाला आता है ना वो मुझे अभी ऑनलाइन मिल नहीं रहा, हम कर देंगे ना ये रेड करेंगे, जब आप ऑनलाइन मंगाएंगे उस टाइम वो रेड लगा देंगे, चेंज कर देंगे। और जो इसकी यहाँ यहाँ पे जो लगता है लोगो उसका क्या करेंगे, वो क्या कलर करेंगे, वो भी रेड करेंगे सर, रेड अच्छा लगेगा, रेडी करेंगे जब फ्रंट में रेड होंगे तो रियर भी रेडी होंगे, मतलब रेड ठीक लगेगा ना। और बाकी ये दो ये दो इसको निकालना है एक मिनट, देखो ये जो है ना ये गत्ते आपने देखा होगा इसमें जो स्विच लगता है ना ये विंडो अप डाउन करने वाला, इसको भी हम लोग पियानो ब्लैक करने वाले हैं, ये पूरा पियानो ब्लैक होगा और ये वाला ब्लैक वैसे ही रह जाएगा। हाँ ये वाला साइड में सब कुछ भाई है, ये सब निकाल के रख दिया गया, सारी गाड़ी तितर बितर हो चुकी है, कुछ नहीं बचा गाड़ी के अंदर पुराने वाला, ये सारा पियानो ब्लैक होगा। ये देख रहे हो ये वाला पार्ट बिल्कुल डल हो गया ना ब्लैक से, तो अभी अगर इतने टाइम के बाद रीपेंट हो रही है तो इसको बिल्कुल हम एक बेहतरीन कस्टमाइजेशन दे देंगे, एवरीथिंग विल बी ब्लैक। तो सिर्फ ब्लैक और वाइट वाला कॉम्बो होगा, इस पे निशान तो नहीं आ जाएगा सिर्फ लाइट पे, नहीं इसको बफिंग कराएंगे लाइट को, हाँ बफिंग करा देंगे जिससे कंप्लीट हो जाएंगे ना ठीक है, तो ये बफिंग होंगे, ये भी टैनो ब्लैक करेंगे। और ये जो पीछे वाला है जो यहाँ पे लगता है जी बम्पर के डिग्गी के यहाँ पे लगता है, तो इसको ब्लैक करेंगे, तो इसको पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डी क्रोम करना, वैसे क्रोम है ना ये, तो क्रोम को जब हटाते हैं तो उसको बोलते हैं डी क्रोम करना, तो पूरी गाड़ी को डी क्रोम करते हैं, क्रोम वाला कोई पार्ट नहीं रहेगा, लेकिन बड़ी जो छोटी छोटी चीजें ना जैसे ये चीजें हैं ये ठीक करनी बड़ी जरूरी है। इसको रूफ को मैं सेट करना पड़ेगा, चिपकाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसको हटा देंगे, कटन है इसमें पेच लगा रखे आप हाँ ठीक है, इसलिए गड़बड़ है ये, जैसे लोड पड़ गया ना भारी पड़ गया छत डाउन हो गया, तो ये वाला कर्टन हट जाएगा तो वो छत जो है ऊपर चली जाएगी राइट, और बटन भी निकला हुआ, बटन भी लग जाएगा ना, जैसे ये फिटिंग है नहीं पहले, फिटिंग पहले से नहीं, इसमें फिटिंग लगने के बाद जो है ऊपर चला जाएगा, पहले इसे प्रॉपर फिट करके उसके बाद इसे लगा देंगे। नहीं कर्टन चाहिए नहीं, क्योंकि कर्टन फटा हुआ है ना, फटा हुआ, देख कर्टन फटा हुआ है हाँ, तो ये हम निकाल के फेंक देंगे, इसको जरूरत नहीं है हमें, है ना, पूरी गाड़ी ब्रांड न्यू पेंट हो जाए इंक्लूडिंग छत जी, छत को पेंट करना है, कुछ नहीं छोड़ना, नहीं एक्चुअली क्या ना देखो एक्चुअली क्या, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार छत को तुम पेंट मत कराओ, सेल करने में दिक्कत होती है, भाई मुझे गाड़ी सेल ही नहीं करनी, तो जब सेल ही नहीं करनी अपने पास ही रखनी है चीज। और जैसे अब ये जो रबड़ हैं ये रबड़ बिल्कुल ठीक है इसमें, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं कुछ जरूरत नहीं है, ये वो खोल कर हम पेंट करेंगे ठीक है, ये निकल जाएगा, इसमें रस्ट होंगे पड़े हुए ठीक है। देखो अभी तो गाड़ी की हालत कुछ ऐसी हो रही है कि इसको कुछ भी देखा नहीं जा सकता, लेकिन मैं छोटी छोटी और चीज़ें देख रहा हूँ जो मैं सोच रहा था इनको बता दूंगा, जैसे कि ये देखो ये येलो हो रहा है ना, इसको हटाएंगे, और इसमें कुछ गैप था वो इन्होंने शायद ठीक कर दिया, यहाँ भी कुछ गैप्स हैं आप देख रहे हो, लाइट और बॉडी के बीच में थोड़ा सा गैप है, इसको हम लोग रीफिल करेंगे, ये सारा यहाँ पे जंग लग गया था, इसको विल रीसेट इट, और ये जो गैप है ना स्पेसिफिकली ऐसे वाले गैप्स ख़त्म करने बड़े ज़रूरी हैं, अदरवाइज वो पता लगता है कि गाड़ी ना मतलब रीपेंटेड है और मज़ा नहीं आता उसके अंदर ज़्यादा। और जब लास्ट टाइम मैंने गाड़ी पेंट कराई थी ना तो आई ऑर्डर्ड एवरीथिंग फ्रॉम होंडा, मतलब मैंने सब ओरिजिनल होंडा से लिया था इंक्लूडिंग दिस लाइट राइट। और ये आप देखो इसके अलॉय व्हील्स देख रहे हो ना, ये अलॉय व्हील्स 2010 की गाड़ी के नहीं है भाई, ये अलॉय व्हील्स हैं 2023 वाली मॉडल की, टॉप मॉडल जो होंडा सिटी आती है उसके, तो मैंने स्पेसिफिकली बाय करे थे फॉर दिस कार, सो आई लव दिस कार अ लॉट, तो इसलिए कुछ भी अगर इस पर एक्सपेंडिचर होता ना उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं सोचता हूँ,
और रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन. इसकी बैक लाइट, फ्रंट लाइट, शॉकर्स, एवरीथिंग वॉज फ्रॉम होंडा. तो अभी सिर्फ ये वेट कर रहा हूँ कि इसमें मतलब कितना जल्दी मुझे मिल सकता है. जल्दी मुझे नहीं मिलेगी, आई नो इसमें कम से कम 10-12 दिन और लगेंगे. अभी दो दिन मुझे हो चुके हैं, 15 दिन का टाइम मांगा था, क्योंकि अगर आराम से काम करना है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. इकबाल भाई साथ ही बैठे हैं, इनसे ज़रा पूछते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये जैसे बाहर खड़े होकर गाड़ी पेंट करते हैं, तो बाहर गाड़ी खड़ी करके पेंट करने से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती? कोई ऐसा तो नहीं धूल बैठ जाती है वो गाड़ी के अंदर पेंट करते हुए? तो इकबाल भाई से मैंने पूछा तो उनका कुछ ऐसा कहना है. तो इकबाल भाई बताओ ज़रा कि ये जो बाहर खड़े होकर हम गाड़ी पेंट करते हैं, तो धूल मिट्टी आ जाना, कलर में कुछ फ़र्क आना, ऐसा कुछ होता है? ये सर ऐसा कुछ नहीं होता. हम क्या जाट डाल रहे हैं उसमें, जैसे रंग हो गया, कई होते हैं 300 रुपए का भी लीटर आते हैं. अच्छा. वायरलेस के जो आते हैं आजकल, हाँ, वो 300 रुपए का लीटर है. अगर हम ब्रांडेड मार रहे हैं, जैसे डी पॉइंट हो गया, डुबोंट का है, हाँ जी, कैप्सी का हो गया, अगर सही क्वालिटी सही चीज मारोगे तो डल नहीं पड़ सकता उसमें. बाकी बाहर पेंट करने में जैसे धूल वाला जो पंगा होता है वो क्या, वो फिर एक्स्ट्रा रबिंग ज्यादा करने है? सर उसमें कुछ नहीं करना पड़ता. आप जैसे आपकी गाड़ी कर रहे हैं या बाहर रिपेंट करेंगे, आप इसी में रिजल्ट देख लीजिएगा क्या है. अब ये सामने देखिए पंडित मोटर है, हाँ. ये 30 के, ये वाला जो है जी, ये पर पीस 15,000 रुपए लेते हैं. ये गोविंदपुरी में विक्रम पेंट वाले, उन्हीं से माल मेरा भी आ रहा है, उन्हीं से माल उनका भी आ रहा है. हाँ तो ठीक है, मतलब माल का फर्क होता है कि हम कौन सा माल यूज कर रहे हैं. इसका कोई फर्क नहीं होता कि आप कहाँ पेंट कर रहे हो, क्योंकि पेंट करने के बाद भी और प्रोसेसेस भी है जिसमें रबिंग होती है, पॉलिशिंग होती है, तो वो बहुत ज्यादा फर्क होता है. दूसरी बात होता है गाड़ी पे डिपेंड करता है कस्टमर के. कई होते हैं जी पैसे खर्चा नहीं करते, 10,000 में पूरी गाड़ी पेंट कर दो, तो 10,000 में सर गाड़ी पेंट होती नहीं है. एक चैनल है ब्रोटो मोटिव, वो पुणे में है, और भाई बताओ वहाँ पे तो मुझे लगता है कि जितने की गाड़ी होती है ना उतने का ही आपको और खर्चा हो जाता है गाड़ी पेंट करने का. ठीक है, मतलब वो भी ठीक है, उनका अपना तरीका है काम करने का, बट अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती तो आप नॉर्मल अच्छे किसी यू नो वर्कशॉप पे जाके काम करवा सकते हो. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप ब्रांडेड जगह ही जाओ. जैसे मैंने पंडित मोटर बोला, पर पीस का 15,000 है, गाड़ी में टोटल 13 पीस है. अब 13 पीस का जोड़ लीजिए कितना है. नहीं, ब्रांड का फर्क है, वो एक्चुअली वो नाम है तो नाम के पैसे हैं. जैसे हल्दीराम में हम खाना खा रहे हैं और एक हम बाहर खा रहे हैं. देख रहे भैया कितना खतरनाक एग्जांपल हल्दीराम वाला दिया है भाई ने. तो ऐसा है कि यार अभी गाड़ी की सिचुएशन कुछ ऐसी है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, क्योंकि ये सब जब लग जाएगा ना तो आएगा बढ़िया. और उसके बाद हम कुछ अपना इंटीरियर वाला काम भी कराएंगे, जैसे मुझे 3-4 चीज़ें करानी है. एम्बिएंट लाइटिंग मुझे इसके अंदर करानी है, और कुछ हम म्यूज़िक का काम भी कराएंगे. एक इसका वूफर है, वूफर इसमें अटैच कराएंगे, और ऐसी 3-4 चीज़ें हैं. सो आई विल डेफिनेटली टेक यू अलॉन्ग विद दैट. तो जब तक गाड़ी कंप्लीट नहीं हो जाती, वी विल कीप ऑन दिस सीरीज. और मज़ा आ गया यार, आई एम वेरी एक्साइटेड टू ड्राइव दिस बैक. और एक बात और मैं आपको बता रहा था ना कि मैं इतने दिनों से ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर पा रहा हूँ भाई, वो इसलिए क्योंकि बैंक में चल रहा है भाई मार्च, और जो जो बैंकर्स उनको बहुत अच्छे से पता है कि JFM का क्या मतलब होता है. भाई बिल्कुल भी टाइम नहीं है ब्लॉग करने का, दिमाग भी नहीं जाता. एवरी टाइम आई थिंक ऑफ यू नो बैंक बिजनेस कैसे ग्रो करना है, क्या करना है. बट यू नो आफ्टर सो लॉन्ग, जनवरी फरवरी पूरा निकल गया, मार्च में 2 छुट्टी आई है, तो कल भी कुछ नहीं कर पाए. कल भी हम लोगों ने कुछ बैंक का ही कुछ काम किया था, तो संडे को आई वॉज गेटिंग बोर्ड, और मुझे लगा कि गाड़ी मैंने पेंट के लिए दिया हुआ है तो क्यों ना उसको थोड़ा सा रिकॉर्ड किया जाए, बिकॉज यू नो अल्टीमेटली इट विल बिकम मेमोरी फॉर लाइफ टाइम इन यूट्यूब. तो कभी बाद में देखना हुआ तो अच्छा लगेगा, सो दैट्स व्हाई एम रिकॉर्डिंग इट. तो अभी ज़रा दोबारा एक भाई से बात करते हैं और समझते हैं कि कितना टाइम और लगेगा इसको यू नो कंप्लीट होने में, बिकॉज दैट कंप्लीशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट. आई कैन नॉट वेट फॉर इट, यू नो आई जस्ट वांट टू ड्राइव इट अगैन. सो लेट्स टॉक टू इकबाल भाई वंस अगैन. ठीक है इकबाल भाई, मैं निकल रहा हूँ, और मुझे थोड़ा सा आइडिया दो कि कितना टाइम आपको लगता है कि लगेगा इसमें टोटल. टोटल 10-12 दिन तो लगेंगे. 10-12 दिन लगेंगे ना, तो वही मैं वही बता रहा सबको कि अगर इतना तसल्ली बख्श काम कराना तो टाइम तो लगेगा ही. तो ठीक है, अभी इस चीज़ को लगेंगे 10-12 दिन और अगर मैं बीच में आ पाया तो मैं दोबारा कवर करूँगा, बट अगर नहीं आ पाया तो सीधा तब मिलेंगे जब गाड़ी हमारी कंप्लीट हो जाएगी. तो अभी निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं यहाँ से सीधा घर पे. बूम, फाइनली मैं पहुँच गया हूँ घर और गाड़ी कर दी मैंने पार्क. मतलब अभी हम कर रहे हैं बस थोड़ा सा रेस्ट किया जाए, बिकॉज यू नो दीज डेज आर वेरी वेरी हेक्टिक. और ऐसा सुनने में आ रहा है कि फॉर बैंकर्स देयर कैन बी 5 days a week वर्किंग. ओ माई गॉड, मतलब अगर ये हो गया ना भाई तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा यार. इतना सारा जो भागा दौड़ी वाली जिंदगी है ना, उसमें थोड़ा सा सुकून मिलेगा, बिकॉज आवर लाइफ इज़ लाइक वेरी हैक्टिक. IT में भी आपको पता है कि 5 days a week ही चलता है, और इन सम ऑफ द सेक्टर्स 5 days a week चलता है. तो आई थिंक बैंकर्स को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. ये हो गया देन इट विल बी इट
इट विल बी अ ग्रेट ग्रेट थिंग. और खैर गाड़ी वाली बात यह है कि अगर मुझे बीच में जाने का मौका मिला तो मैं जाऊंगा एंड विल अगेन शूट समथिंग. आई विल कीप यू अपडेटेड, आई विल कीप यू पोस्टेड. अगर आपके पास भी कोई ऐसी कार है जिसको बहुत प्यार करते हो, आप उसको अपने पास रखना चाहते हो ठीक करके, तो आप उसमें मतलब इधर उधर किसी की मत सुनो, जो आपका मन करता है वही करो. आपको उसको अपने पास रखना है, उसको अच्छे से रखो, पेंट करा के रखो, छत नहीं पेंट कराना, ये नहीं कराना, वो नहीं कराना, ऐसा कोई फंडा नहीं होता भाई. मतलब अपनी कार है, आपका प्यार है, तो आप उसको जितना अच्छा रख सकते हो उतना अच्छा रखो. विंटेज कार भी तो लोग रखते हैं ना, वो विदाउट पेंटेड तो नहीं रखते हैं, तो उसको अगर आपको डेफिनेटली यू नीड टू मेंटेन इट बाय पुटिंग सम मनी ऑन टू दैट. सो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज व्लॉग. मैंने आपको बताया था मैं ट्रैवल ज़्यादा नहीं कर सकता, मैं कुछ बहुत एक्सप्लोर भी नहीं कर सकता. सो दिस इज द थिंग दैट आई कुड डू, सो आई रिकॉर्डेड दैट. तो अभी घर चलते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन, पीस आउट.